हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मजिंग मॉम स्टूडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग अपने रूखे और बेजान वालों से बहुत परेशान हैं। और खासकर क्या होता है, जो लोग वर्किंग है या फिर जो लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता है, आपको इमिडिएटली कहीं जाना है, आप लोगों के पास हेयर स्पा कराने का टाइम नहीं होता है, आपके पास सलून जाने का भी टाइम नहीं होता है, और आप अपने बालों का टेक केयर नहीं कर पाते हो, जिस वजह से क्या होता है, आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे और डैमेज हो जाते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का मैं आज आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आई हूँ इस वीडियो में। तो जो मैं आज आप लोगों के साथ लेके आई हूँ वो है हमारा डव का इंटेंस डैमेज रिपेयर हेयर मास्क। आप देख सकते हैं ये एक हेयर मास्क है। तो जो ये हेयर मास्क है, ये क्या वर्क करता है आपके बालों में, ये क्या करता है? सबसे पहले तो ये आपके बालों से स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को दूर करता है और आपके बालों को एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाता है, और साथ ही साथ आपके बालों में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो विंटर सीजन में ये खासकर सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। बट जिन लोगों के बाल डैमेज हो गए हैं या जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा रफ हो चुके हैं, उन लोगों के लिए ये वाला जो हेयर मास्क है ये बहुत ही बेस्ट होने वाला है। आपको इसको हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज करना होता है। तो मैंने ये वाला हेयर मास्क जो है ये नाइका से ऑनलाइन परचेज करा था, तो मेरे पोस्ट में काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल गया था। अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ मैंने इसको परचेज कर लिया था। तो ऑनलाइन वैसे भी डिस्काउंट चलते रहते हैं नाइका में, पर्पल में, काफी सारी साइट्स में आपको ये मिल जाता है। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग की। आउटर पैकेजिंग आपको ये इस तरीके से टब में मिल जाता है। ब्लू कलर का इसका कैप होता है, इसके बाहर से कोई कवर नहीं मिलता है, ये सिर्फ इसी तरीके से मिल जाता है आपको। और इसमें बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग इसका है 525 रुपीज। बट आपको ये नाइका में या पर्पल में या अमेजोन में कहीं से भी आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है काफी सारा अच्छा वाला डिस्काउंट, तो वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। और बात करते हैं इसकी शेल्फ लाइफ की, तो शेल्फ लाइफ इसकी आपको 3 साल की मिल जाती है। और आते हैं बुक में इसके क्वांटिटी के ऊपर, तो ये भी जो आपको एक टब मिल जाता है ये आपका आता है 300 ml का। तो ये जो मेरे पास ये पैकेट है इसका, ये टब है, ये 300 ml का है, तो इनफ है आपका 1 month के, इजीली चल जाता है आपका। और साथ ही साथ इसके यहाँ पे लोअर वाले पार्ट में आते हैं, और साथ ही साथ इसमें नीचे की तरफ एक स्लिप लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है पीवी हेयर। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें नीचे क्या है, क्या लिखा हुआ है इसमें, मैं आपको बताती हूँ। तो ये कुछ आपको इस तरीके से मिल जाता है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें इन्होंने सिर्फ ये बता रखा है, इसमें यहाँ पे हाउ टू यूज इन्होंने बता रखा है, मैं आपको चलिए पढ़ के बता देती हूँ। तो इसमें इन्होंने फर्स्ट पार्ट बता रखा है कि आपको अपने बालों को डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स में, और इसको अपनी स्कैल्प से लेके और पूरा नीचे तक आपको इसको अच्छे से अपने बालों में अप्लाई करना है। और जो इन्होंने इसमें सेकंड मेंशन कर रखा है, इन्होंने लिखा हुआ है कि इसको अप्लाई करने के बाद आपको इसको अपने बालों में कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। और जो थर्ड इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको 3 से 4 मिनट के बाद अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है और इसका रिजल्ट देखना है। और साथ ही साथ इन्होंने जो ये मेंशन कर रखा है ये इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है। इन्होंने इसमें बता रखा है कि इसमें क्या क्या है, आपका सीड ऑयल है और वाटर है, सोडियम है और लैक्टिक एसिड है, और ये सब इन्होंने बता रखा है इसमें कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी डली हुई है इस डव वाले हेयर मास्क में। तो मुझे पर्सनली ये वाला हेयर मास्क काफी पसंद आया है। इससे मेरे बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए थे, मतलब बिल्कुल टैंगल नहीं हो रहे थे, और साथ ही साथ रफ हो रहे थे तो वो भी एकदम सही हो गए हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अपने बालों में अप्लाई कर रखा है, कितने ज़्यादा बाल सॉफ्ट हो रखे हैं, कितने ज़्यादा बाल शाइन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, मतलब हाथ एकदम ऐसे करके ऐसे स्लिप हो रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है आपके बालों को जो ये वाला हेयर मास्क है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो आपका ये हेयर मास्क है, ये आपका जो ये एक टब है, आप इसको अगर वंस अ वीक यूज करते हैं तो ये आपका चल जाता है पूरा एक मंथ आपका इजीली चल जाता है आपका जो ये हेयर मास्क का पैक है। और साथ ही साथ इसमें आपको 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिल जाती है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ साथ आपको इसमें कैरेटिन मिल जाता है, ये देखिए इसमें पूरा मेंशन हो रखा है। और कैरेटीन तो आपको पता ही है हमारे बालों के लिए कितना बेनिफिशियल होता है, आपके बालों में एक प्रोटीन प्रोवाइड करता है, आपके बालों को हेल्दी बनाता है और डैमेज हेयर को रिपेयर करता है।
और साथ ही साथ जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपने हेयर स्पा करा रखा हो, और साथ ही साथ आपके डैमेज बालों को ये रिपेयर करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको जस्ट 2 times इसको अपने हेयर में अभी तक अप्लाई करा है। आप देख सकते हैं 2 ही बारी में मेरे बालों में कितना अच्छे से टेक्सचर हो रखा है, कितने शाइन कर रहा है और कितने स्मूथ, मतलब मेरे हाथ आप देख सकते हैं लिटरली कैसे स्लिप हो रहे हैं। तो बहुत ही बेस्ट वाला ये हेयर मास्क आपका होने वाला है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और जब आप इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो अपने बालों में, आपको फर्स्ट टाइम में ही ऐसा लगेगा जैसे आपने अपने बालों में कोई हेयर स्पा करा रखा हो। तो बहुत ही बेस्ट वाला मेरे को ये हेयर मास्क लगा अभी तक का, तो मैं 100 out of 100 मार्क्स दूंगी। और साथ ही साथ ये आपके बालों में जो मॉइस्चर होता है उसको लॉक करता है, जिससे कि आपके बाल ड्राई और डैमेज नहीं होते हैं। तो चलिए इसको मैं अपने बालों में आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ और आपके सामने रिजल्ट दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से होने वाला है, ये आपको कैसा रिजल्ट देता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है, इसमें ये इस तरीके से इसको सेव करने के लिए इसमें ये लगा हुआ होता है ऊपर से, तो मैंने इसको ओपन कर रखा है तो ये इस तरीके से मिल जाता है। और जो इसके अंदर से आपको क्रीम मिलती है वो इस तरीके से आपको व्हाइट कलर की मिल जाती है, और इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ मिल जाता है आपको। और जो इसकी स्मेल की बात करूं मैं अगर, तो जो इसकी स्मेल है ये आपको इस तरीके से मिलती है जैसे कि आपका डव का कोई सोप या फिर डव का जो आपका शैम्पू आता है, जिस तरह की स्मेल आपको उसमें मिल जाती है सेम वैसी स्मेल आपको इस वाले हेयर मास्क में से भी मिलती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको इसका अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ऑब्वियसली आपको इसको अच्छे से अपने बालों में अप्लाई भी करना होगा। अगर आपने इसको अच्छे से अपने बालों में अप्लाई नहीं करा तो रिजल्ट तो देखो आपको मिलेगा ही, बट अगर आप अच्छे से अपने बालों में अप्लाई करते हैं तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं अपने बालों में। तो सबसे पहले जब आप अपने बालों में शैम्पू कर लेंगे, शैम्पू करने के बाद आपके बाल जब इतने इस तरीके से गीले रहेंगे, देखो उसमें से पानी नहीं निकल रहा अभी, लाइक मतलब हल्का हल्का सा ये गीले हैं मेरे बाल अभी, तो मैं इसमें इसको अप्लाई कर लूंगी। और इसका एक मेथड ये भी है, अगर आपको शैम्पू नहीं करना है तो अपने बालों को गीला करके डायरेक्टली भी इसको अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको किस तरीके से अप्लाई कर लेना है। तो आपको सबसे पहले अपने बालों का इस तरीके से पोर्शन ले लेना है, हाफ पोर्शन इस तरीके से, तो अपने बालों को 2 portions में आपको डिवाइड कर देना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ऐसा करने से क्या होता है ना, ऐसा करने से जो आपके बालों में जो ये हम हेयर मास्क अप्लाई करने वाले हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से लगता है और इसके रिजल्ट भी एकदम अमेजिंग होके आते हैं। तो देखिए मैंने 2 portions में अपने बालों को अप्लाई कर लिया, एक हाफ पोर्शन और हाफ पोर्शन पीछे से। तो जो पीछे वाला पोर्शन है इसको भी मैं हाफ हाफ 2 portions में डिवाइड कर लूंगी। तो मैं इस तरफ अप्लाई करूंगी पहले, तो इस तरीके से मैं इसको इसके रूट से अप्लाई कर लूंगी। अच्छे से आपको अप्लाई करना है और उसके बाद जब आप इसको रूट में अप्लाई कर लेंगे, रूट में अप्लाई करने के बाद आपको इसको नीचे की तरफ लेके आना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको इसको नीचे की तरफ भी लेके आना है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही कम क्वांटिटी में आपका लगता है, और आपको इस तरीके से भी जब आप हाफ हाफ पोर्शन में लगाते रहोगे इस तरीके से, तो आप इसी तरीके से यहीं पे मसाज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको अप्लाई कर लेंगे अपने बालों में अच्छे से। तो फ्रेंड्स इसको अब मैं फोल्ड कर लूंगी साइड पे, मैं क्लचर से इसको इस तरीके से अपने बालों को बांध लूंगी। तो इसी तरीके से मैं इस साइड पे इसको अप्लाई कर लूंगी फटाफट से। तो मेरे इस वाले पोर्शन में भी लग गया, अब मैं पीछे वाले पोर्शन को ना एक साथ बांध दूंगी और अब अपने ऊपर वाले पोर्शन के भी 2 partitions करके सेम इसी तरीके से अपने बालों में अप्लाई कर लूंगी। और आप इस वाले पैक से अपना हेयर स्पा भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, आपको क्या करना है, जब आप अपना शैम्पू कर लोगे और शैम्पू करने के बाद आपको
जब आप ये वाला पैक को अप्लाई करते हो अपने बालों में, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप अपने पूरे हेड में इसको लगा लोगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है, गर्म पानी लेना है, गर्म पानी में टॉवल को अपने गर्म करके और अपने बालों में लपेट लेना है। तो जब अपने बालों में लपेट लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, 10 मिनट के बाद अपने टॉवल को फिर से अपने बालों में गर्म पानी में लगा के फिर से लपेट लेना। दो बार आप ऐसा कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपने बालों में अच्छे से मसाज करनी है, कम से कम 2 से 4 मिनट आप मसाज करना अच्छे से, तो आपका घर पे ही बहुत अच्छा वाला हेयर स्पा हो जाता है, बहुत ही अच्छे वाले आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। आप ऐसा ट्राई करके देखना एक बार। इस तरीके से मैं पूरे बालों में अप्लाई कर लूंगी। और आपका जो ये वाला हेयर मास्क है इसको आप हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं। और जो आपका ये वाला टब आपको मिल जाता है डव का, ये आपका पूरा का पूरा एक महीना आपका इजीली चल जाता है, मतलब पूरा या जो आपका टब है 1 मंथ आपका, इसको अगर आप हफ्ते में एक बार यूज करते हैं तो ये आपका काफी टाइम चल जाता है। मैंने अच्छे से इसको स्कैल्प में लगा लिया है और अच्छे से मसाज भी कर ली है। Then, आप अपने में पूरे बालों को एक साथ कर देती हो। तो मैंने इस हेयर मास्क को अच्छे से अपने पूरे बालों में कवर कर लिया है और अच्छे से मसाज भी कर ली है। तो जैसे कि आपने देखा है कि इसके टब में मेंशन है कि इसको आपको अप्लाई करने के बाद 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रेस्ट पे रहने देना है। तो मैं भी इसको अपने बालों पे 2 से 3 मिनट इसको रेस्ट पे रहने देती हूँ और उसके बाद इसको वॉश करने के बाद रिजल्ट आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये किस तरीके से आपको रिजल्ट देने वाला है। तो 2 से 3 मिनट बहुत ही कम टाइम है, तो 2 से 3 मिनट में ही हम देखते हैं कि आपको किस तरीके से रिजल्ट देता है। तो चलिए मैं इसको वॉश करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने अपना हेड वॉश कर लिया है और 2 से 3 मिनट में ही आप मेरे बालों में रिजल्ट देख सकते हैं। मतलब बाल इतने बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ शाइन भी कितना ज्यादा कर रहे हैं। तो जिन लोगों के बाल डैमेज हैं और जिन लोगों के बाल रफ हो चुके हैं तो वो लोग इस हेयर पैक को यूज कर सकते हैं। तो विंटर सीजन के लिए तो बहुत ही ज्यादा और हेल्दी आप लोगों के लिए ये एक हेयर पैक होने वाला है अगर आप इसको ट्राई करते हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं मैं अपने हाथों से अपने बालों में किस तरीके से मैंने कोम नहीं कर रखी है, तो मतलब बिल्कुल भी टैंगल्स नहीं है मेरे बालों में। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से मेरी फिंगर्स में से बालों में से निकल जा रही हैं, ये देखिए बिल्कुल भी टैंगल्स नहीं है। तो मैंने काफी ज्यादा हेयर मास्क काफी पहले भी ट्राई करे हैं और भी अलग अलग ब्रांड्स के ट्राई करे हैं, बट डव का जो रिजल्ट है वो मेरे को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ आज इसका डेमो और इसका रिव्यू शेयर करा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। जब इसको वॉश भी करा था मतलब मेरे हाथ ऐसे फिसल रहे थे, साथ ही साथ मेरे पैर में जब इसका पानी जब निकला था तो मेरे पैर भी एकदम स्लिपरी हो रहे थे बहुत ज्यादा। तो मतलब इतना ज्यादा वाला सॉफ्ट वाला इसका टेक्सचर है, बहुत ही अच्छा मतलब मेरे को ये हेयर पैक लगा और इसका रिजल्ट भी अमेजिंग है। और अगर आप इस हेयर मास्क को हफ्ते में एक बार यूज करते हैं तो आपके बाल बहुत ही ज्यादा, अगर आपके बाल किसी उससे रफ हो चुके हैं या कलर करने से रफ हो गए हैं या वैसे ही आपके बाल डैमेज हो गए हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला अमेजिंग वाला रिजल्ट मिलने वाला है। तो फिर मैं तो इसको 100% मार्क्स देती हूँ इस वाले हेयर मास्क को। तो आई होप आपको ये आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।